भी में आप सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं मोटर के टर्मिनल के ऊपर, यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर वायरिंग कैसे करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्टार और डेल्टा के कनेक्शन कैसे होते हैं, वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे होते हैं स्टार और डेल्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों मैंने बना रखे हैं। ये स्टार के भी मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, एक एक डायग्राम तो ये है और एक वाला एक डायग्राम ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार के अंदर क्या होता है। सबसे पहले मोटर की साइड देखते हैं एक बार हम। मोटर के अंदर तीन कॉइल होती हैं, तीनों कॉइल के दो दो टर्मिनल होते हैं, U1, U2, V1, V2, W1, W2। इसी तरह से यहाँ पे भी स्टार में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे V1, V2, U1, U2, W1, W2। स्टार के अंदर क्या होता है, जो टू वाला पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, शॉर्ट की कर देते हैं उसको, वो एक स्टार स्टार शेप ले लेता है। तो यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं U1, U2, V1, V2, W1, W2, ये यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो ये बन गया एक स्टार, ठीक है। डेल्टा में कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, डेल्टा के अंदर एक कॉइल को दो फेज मिलने चाहिए, एक कॉइल के अंदर डबल फेज आना चाहिए डेल्टा के अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि ये U1 है और यहाँ से W2 है, ये W1 V2 V1 U2, ठीक है। एक इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं हम, या फिर आपको मिलेगा नेम प्लेट पे भी मिल सकता है, या फिर आपको इस तरह से भी एक डायग्राम नेम प्लेट के ऊपर मिल सकता है। तो अभी हम बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर क्या क्या सामान की हमें जरूरत पड़ेगी स्टार्टर बनाने के टाइम पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमें एमसीबी लेनी है। एमसीबी हमने उस रेंज की लेनी है जो हमारी मोटर का फुल लोड होता है, जो मोटर का फुल लोड होता है, जैसे कि हमारी ये मोटर है उसका फुल लोड निकाल के उसी हिसाब से ये इनकी सबकी सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसकी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करने हैं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए, तभी ये वीडियो आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें एक एमसीबी लेनी है, एक कॉन्टेक्टर हमें मेन के लिए लेनी है, मेन के लिए लेना है, दूसरा कॉन्टेक्टर हमें डेल्टा के लिए, तीसरा कॉन्टेक्टर हमें लेना है स्टार कॉन्टेक्टर, और एक हमें ओवरलोड रिले लेनी है। ओवरलोड एक मोटर की प्रोटेक्शन के लिए होती है, जैसे कि मोटर का करंट है 20 एम्पियर, मोटर का फुल लोड लगा लेते हैं मान लेते हैं, और यहाँ पे रिले हमारी 20 एम्पियर तक 25 एम्पियर तक है और इसकी सेटिंग की हुई है 20 एम्पियर तक, और मोटर उस केस में क्या होता है 25 एम्पियर लोड देने लग जाती है। तो ये सेटिंग इसकी 20 है और ये 25 एम्पियर ले रही है, उस केस में क्या होगा, ये स्टार्टर को बंद कर देगी, मोटर को प्रोटेक्ट कर लेगी, इसलिए हम इसको ओवरलोड रिले लगाते हैं। तो ये तो था इसका, इसके अंदर क्या क्या सामान लगाना है। अब इसकी एक एक तरीके से वायरिंग कैसे करनी है एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके हमें पूछें। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है काफी टाइम से, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो यहाँ से दोस्तों 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज इनपुट, जो 415 वोल्टेज होती है रेड येलो ब्लू तीन फेज होते हैं, उसको हमने एंटर कर लेना है एमसीबी के अंदर। एमसीबी के बाद चली जाएगी हमारी ये, जो हमारी एमसीबी से आउटपुट निकलने के बाद मेन कॉन्टेक्टर में चली जाएगी, आर फेज येलो और ब्लू यहाँ पे हो गई है। अभी मेन कॉन्टेक्टर के अंदर इनपुट अंदर सप्लाई आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहीं से हमने उठा के डेल्टा वाले के अंदर भी इसको डाल देना है रेड येलो और ब्लू, ठीक है। यहाँ तक हमने वायरिंग कर लिया, सबसे पहले मेन एमसीबी के इनकमर में आई, उसके बाद एमसीबी से निकलने के बाद मेन में भी आ गई, और उसके बाद डेल्टा में भी सेम आ गई रेड येलो और ब्लू। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, जो ये ओवरलोड रिले है ये कॉन्टेक्टर के अंदर ही फिक्स हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा बाहर निकाल के यहाँ पे आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए ये ऐसा किया हुआ है, यहाँ पे रेड येलो ब्लू ऐसे कनेक्शन हो जाएंगे। इसके कनेक्शन होने के बाद दोस्तों जो ओवरलोड रिले के तीन टर्मिनल बचते हैं ये आउटपुट, ये चले जाएंगे डायरेक्ट मोटर के टर्मिनल के अंदर U1 में, V1 और W1 में। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ओवरलोड रिले लगाई है, आप इसके अंदर स्टार डेल्टा के अंदर दो भी रिले लगा सकते हैं, एक रिले से भी काम चल सकता है,
और इनके इनपुट में भी रिले लगा सकते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करता है मोटर की करंट रेटिंग और उसकी रिले की सेटिंग के हिसाब से। यहाँ से आधा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, आधा करंट डेल्टा से करने वाला है, तो इसलिए हम इसकी हाफ रेटिंग के हिसाब से करंट रेटिंग होती है, फुल लोड की करंट रेटिंग होती है उसके आधा करके उसको उसकी उसी से उसी तरह से उसकी सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक रिले ओवरलोड रिले लगा ली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो ओवरलोड रिले से ये तो एक जो मोटर के अंदर 6 टर्मिनल होते हैं दोस्तों, उसके अंदर 3 टर्मिनल के अंदर तो ये वायर चली गई है रेड येलो और ब्लू U1 V1 और W2 के अंदर, ठीक है। अभी बारी आती है सबसे पहले डेल्टा जो सॉरी स्टार कंडक्टर लगता है, स्टार कंडक्टर के लिए फिर सबसे पहले स्टार के अंदर वायरिंग जाएगी। स्टार के अंदर कैसे जाएगी दोस्तों, मैंने पहले बताया था स्टार डेल्टा के अंदर एक क्वाइल को 2 फेज जाने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे रेड के अंदर जो U2 है वहां पे हमने ब्लू वायर कनेक्ट की है, और जो येलो है वहां पे रेड वायर और जो ब्लू है वहां पे येलो कलर की वायर कनेक्ट की है, वो इसलिए कि यहां से हम वायर लेंगे तब। ये एक फ्लो बनाया अभी तक दोस्तों, ये यहाँ पे जाके क्वाइल के अंदर से निकल के यहाँ पे ये कंडक्टर पिकअप हो जाएगा और ये यहाँ पे स्टार बन गया है यहाँ पे, इसलिए ठीक है। तो ये स्टार की वायरिंग इस तरह से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेल्टा में कैसे कन्वर्ट होगा, ये जैसे ही स्टार छूट जाएगा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो डेल्टा की वायरिंग क्या होगा, रेड फेज यहाँ से आएगा और यहाँ से होते हुए ये चला जाएगा येल्लो कलर में, ठीक है। और उसके बाद येल्लो कलर ये यहाँ से होते हुए ब्लू कलर में चला जाएगा, और जो ब्लू वायर है वो यहाँ से होते हुए रेड फेज में। तो यहाँ पे आप नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे U1 के अंदर एक क्वाइल के अंदर यहाँ से रेड मिल रहा है और इस साइड से ब्लू कलर मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है येल्लो और इधर से रेड फेज, और इस साइड से ब्लू इस साइड से येल्लो फेज। तो स्टार डेल्टा के अंदर दोस्तों जो मोटर के टर्मिनल होते हैं उसमें इस तरह से वायरिंग की जाती है, इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कैसे एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को करते हैं, कैसे उसके मोटर के अंदर कनेक्शन करने हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी सुझाव है, अगर आप हमें भी बताना चाहते हो नीचे कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।